हम कहते हैं, जो कि मैं उसके बहुजन साहित्य नहीं मानता, दरअसल वो भारत का साहित्य है, सम्राट अशोक का साहित्य है, तथागत बुद्ध का साहित्य है, बाबा साहब अम्बेडकर का साहित्य है, और आपके स्वर्ण दौर का साहित्य है। सवर्ण नहीं कह रहा, स्वर्ण दौर, जो स्वर्ण काल था जब भारत सोने की चिड़िया थी, और भारत जब जिसको सोने की लंका कहके जलाया जाता है, वो दरअसल आपके ही पूर्वजों का वो दौर था। पटना में आज वो सारी इमारतें हैं, और मैं जो भी लिख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ और बोल रहा हूँ, वो बहुजन साहित्य के जो लेखक हैं, जो प्रोफेसर हैं, जो तमाम मंच पर हैं, जिनसे मैं बहुजन लोगों से मिलता हूँ, और साहित्य की वजह से ही बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरी बहुत स्कूलिंग नहीं हुई है बेहतर। तो शुक्रिया समय प्रकाशन, जो आपने इस लायक समझा, और एक पत्रकार के तौर पे मैं भी कोशिश करूँगा कि आप लोगों की टूटी फूसी भाषा में जो भी हो आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। लेकिन एक बात तय है कि जब तक आपका साहित्य मजबूत नहीं होगा, जब तक आप अपने पुरखों को नहीं जानेंगे, जो बाबा साहब ने कहा था कि जब तक आप इतिहास नहीं जानेंगे, इतिहास नहीं बनाएंगे, यकीन मानिए आपके पूर्वज सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे। फेसबुक छोड़ दीजिए, किताब कलम छोड़ दीजिए, सम्राट अशोक के दौर में पत्थर पर हमारे पूर्वज लिखते थे। पत्थरों पर जितने शिलालेख हैं पाली में या प्राकृत में, वो हमारे पुरखों ने लिखे हैं, हमारे बाप दादाओं ने लिखे हैं। इसलिए आपका साहित्य सबसे समृद्ध साहित्य है, उसे किसी जाति और किसी शब्दों में समेटने की जरूरत नहीं, जो मेरी जानकारी है। एक साजिश हुई है उस साहित्य को मिटाने की, और जब साहित्य आपका मिटा, फिर आप सत्ता से दूर हुए, और जब सत्ता से आप दूर हुए तो व्यापार से दूर हुए, और व्यापार से जब आप दूर हुए तो गुलामी ने आपको जकड़ लिया, और उससे निकलने का एक ही रास्ता है। बाबा साहब सब कुछ कह के गए हैं, सब कुछ लिख के गए हैं, उन्होंने पढ़ाई लिखाई को शेरनी का दूध कहा है, और बहुजन सम्यक प्रकाशन जो है उस दूध को घर घर तक पहुँचा रहा है। शुक्रिया बहुजन सम्यक प्रकाशन, जो आप इतना अद्भुत काम कर रहे हैं, इतना बड़ा आयोजन किया है। बहुत घोर निराशा में था, आप लोगों को देख के एक उम्मीद बनती है कि शायद सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, साहित्य की बदौलत हम सत्ता में भी आएंगे, सामाजिक आंदोलन को भी आगे बढ़ाएंगे, और सबसे बड़ी बात हम अपने सम्मान को भी प्राप्त करेंगे, जो साजिश के तहत हमसे छीन लिया गया है। शुक्रिया आप सब लोगों का। जय अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।